मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी। इस दौरान वो लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 4 फेज के लिए प्रचार कर सकेंगे। हालांकि उन्हें किसी भी हाल में 4 जून को सरेंडर करना होगा। शराब नीति केस की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया, उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी, 21 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, इस वक्त देश में सबसे अहम चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के लोकसभा चुनाव में देश के कुल 97 करोड़ मतदाताओं में से करीब 65 से 70 करोड़ वोटर्स अगले 5 साल के लिए देश की सरकार चुनेंगे। आम चुनाव लोकतंत्र को संजीवनी प्रदान करता है। हम ईडी की इस दलील को खारिज करते हैं कि केजरीवाल को बेल देना उन्हें आम जनता की तुलना में ज्यादा विशिष्ट स्थान देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, जांच एजेंसी का ये तर्क बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन जारी किए गए, इसके बावजूद उन्होंने समन का पालन नहीं किया। ईडी का ये तर्क जाहिर तौर पर केजरीवाल के खिलाफ जाता है, लेकिन जमानत देते हुए हमने अन्य पहलुओं पर भी विचार किया है। आइए जानते हैं ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को जमानत के खिलाफ क्या दलीलें दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के उपनिदेशक भानुप्रिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। अपने हलफनामे में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया था। इस हलफनामे में कहा गया था कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में बचने का मौका मिलेगा। ईडी की तरफ से कहा गया कि चुनाव प्रचार करने का अधिकार मौलिक, संवैधानिक या कानूनी नहीं है। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि राजनेता किसी आम नागरिक की तरह ही किसी खास सुविधा की मांग नहीं कर सकते हैं। राजनेताओं को भी आम नागरिक की तरह अपराध करने पर उन्हीं की तरह गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी ने तर्क देते हुए कहा है कि जांच एजेंसी की जानकारी में शायद अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई हो। ईडी ने कहा, चुनाव तो पूरे साल होते हैं, अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो फिर किसी भी राजनेता को गिरफ्तार या उन्हें हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा। ईडी ने कहा, यहां तक हिरासत में रहकर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को भी अपना चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिलती है। ईडी ने कहा कि एक राजनेता एक समान नागरिक से अधिक किसी विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का भी यही बहाना बनाया था। इस मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ की अध्यक्षता करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला किया जाएगा। बता दें, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कुछ वक्त पहले गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार करेगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा था कि ये केस अलग है, अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और बार बार ये मौका नहीं आता है। बता दें, ईडी पहले भी सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करता आया है। ईडी का कहना है कि इससे गलत मिसाल कायम होगी। ईडी ने कोर्ट में मुद्दा उठाते हुए कहा था कि क्या एक राजनेता को आम आदमी की तुलना में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है? 5,000 लोग अभियोजन का सामना कर रहे हैं, क्या होगा यदि वो सभी कहते हैं कि वो प्रचार में जाना चाहते हैं? 6 महीने में 9 समन दिए गए, समय चुनने के लिए ईडी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।